और चलिए अब शुरुआत करते हैं दोपहर के नंबर वन डिबेट शो। सवाल यह कि क्या बिहार में एक बार फिर से दंगेबाजों के निशाने पर बिहार की जनता है, क्या हिंदू त्योहारों को टारगेट कर कट्टर एजेंडा फैलाने का काम किया जा रहा है, क्या बिहार का बेगूसराय गजवाए हिंद के टारगेट पर है। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के बेगूसराय में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की गई। ये घटना पहले भी हुई है लेकिन एक बार फिर से इसे दोहराया गया। दो समुदाय आपस में भिड़ गए जिसके बाद जमकर आगजनी हुई, कई गाड़ियों दुकानों को निशाना बनाया गया, पुलिस ने फिलहाल 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इधर बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस घटना के बाद नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि नीतीश के इशारे पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, साथ ही गजवाए हिंद के टारगेट पर बिहार का बेगूसराय है ये बड़ी बात कह रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे, इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कोई मोडस ऑपरेंटी या फिर इसके पीछे कोई गैंग कोई गुट ऐसा काम कर रहा है कि हिंदू त्योहारों को वो टारगेट कर रहा हो और उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा हो। पूरे मामले को समझिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल, पहले पत्थरबाजी फिर आगजनी, बिहार में गजवाए हिंद की साजिश किसकी? गजवाए हिंद ने बेगूसराय को क्यों टारगेट किया है? पत्थरबाजी और आगजनी की तस्वीरें बिहार के बेगूसराय से सामने आई, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्ष आमने सामने आ गए। मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे लोगों का जुलूस बेगूसराय के बलिया थाना क्षेत्र में कर्पूरी चौक से गुजर रहा था, तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने मूर्ति पर पत्थर फेंक दिए, जिसके बाद मूर्ति विसर्जन करने जा रहे लोग भड़क उठे और उसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी की इस वारदात के बाद जमकर बवाल हुआ, सड़क पर कई ठेलों को आग के हवाले कर दिया गया, जगह जगह आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। पुलिस के मुताबिक विवाद की वजह कर्पूरी चौक पर स्थित 6 मीट की दुकानें थी जिन्हें मूर्ति विसर्जन के दौरान बंद करवा दिया गया था। इसी से नाराज दुकान मालिकों ने इस उपद्रव को बढ़ावा दिया है। 5-6 जो मीट काटने की दुकानें हैं रोड पे, एनएच पे उनको बंद करा दिया था नगर निगम ने, क्योंकि वहाँ से जुलूस निकलना था। ये जो 5-6 दुकानदार हैं, इन्हीं लोगों ने ये बदमाशी यहाँ पे स्टार्ट की और उसके बाद इन लोगों ने मूर्ति पे पत्थर चलाए, लेकिन पुलिस ने तुरंत वहाँ पे जवाबी कार्रवाई करते हुए सबको तितर बितर कर दिया है। और मेरे यहाँ आने के बाद 6 लोग अरेस्ट होकर जेल भी चले गए हैं और अभी यहाँ पे भारी मात्रा में फोर्स है, अब यहाँ पे स्थिति सामान्य है। मूर्ति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी से बेगूसराय में तनाव का माहौल है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज खुद बेगूसराय जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई पत्थरबाजी के लिए सीधे सीधे नीतीश कुमार को घेरा और गजवाए हिंद की साजिश बताया। गजवाए हिंद ने बेगूसराय को क्यों टारगेट किया है? पहले शिव मंदिर तोड़ा, फिर हमारी रजक की बेटियों को लव जिहाद में लिया, फिर कशवा गांव में हमारे एक कानू समाज की बेटी को उठाया लव जिहाद में, फिर उसे भी हम लोगों ने वापस करवाया पुलिस। अब बलिया में बड़ी दुर्गा को जिस ढंग से पत्थरबाजी की गई, रोड़ेबाजी की गई और लोग चिल्लाते रहे कि प्रशासन कहाँ है, तो मैं तो समझता हूँ कि नीतीश कुमार के इशारे पर ये सारी चीजें होती है। तो मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश बाबू कह दें कि बेगूसराय का हिंदू क्या बेगूसराय छोड़ दे, क्या बेगूसराय में धार्मिक अनुष्ठान बंद कर दे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस को तैनात कर दिया गया है, लेकिन सवाल है कि देश में बार बार हिंदुओं के त्योहारों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? आखिर हिंदू त्योहारों पर हिंसा भड़काने वालों का असली मास्टरमाइंड कौन है?